मोतिया गली तक जाना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है एहतिशाम और आप देख रहे हैं दी एहतिशाम शो। सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हैं, अभी नमाज़ पढ़ी है तो अभी हम निकलने वाले हैं नारान कागान के लिए और फिर आगे का आपको प्लान बताएंगे आगे का क्या प्लान है। अभी बस थोड़ा सा नाश्ता करके और यहाँ से निकलते हैं। सुबह सुबह सब लोगों ने अपनी अपनी नसीहतें हमें की और उसके बाद हम लोगों ने खुदा हाफिज़ किया और हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। सफ़र की दुआ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे लंबे सफ़र में सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ा करें। सुबहानल्लज़ी सखरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मोटरवे चढ़ने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छी तरह चेक करें, पेट्रोल वगैरह फुल करवाएँ ताकि रास्ते में कोई भी मसला ना पेश आए। साइयों वाले से पिंडी बटियां तक का सफ़र तकरीबन 50 किलोमीटर है। ये जी यहाँ पर थोड़ा सा हमने स्टॉप किया है क्योंकि हम अपनी V8 लैंड क्रूज़र में आए हैं तो थक थोड़ा ज़्यादा गए हैं, इसलिए थोड़ी सी देर रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर और फिर अपना बाकी आगे का सफ़र शुरू करते हैं दोबारा से। अभी तक का जो प्लान है हमारा अभी कुछ नहीं पता, सही तरह जाना है हम लोगों ने नारान कागान और अगले दिन बाबूसर टॉप और उससे वापसी का अभी कुछ ख़ास पता नहीं है। अभी हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और अब आगे चलने लगे हैं दोबारा, जगह चेंज कर रहे हैं। सो जाएं, सो सो जाएं, सो जाएं, सो मंसेरा की तरफ जा रहे हैं, एबटाबाद को भी क्रॉस किया है, आगे मंसेरा जा रहे हैं। हम रेस्ट एरिया रुके हैं मंसेरा के, यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते हैं फिर आगे दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं। 11 बजने वाले हैं और आप मेरे पीछे धूप देख सकते हैं कितनी, अभी तक सर्दी शुरू नहीं, सर्दी मंसेरा थोड़ा सा ही आगे रह गया है, मंसेरा का ये स्टॉप है पीछे। क्या खाओगी बरका? बरका कुल क्या खाएगी? हम लोग चाय पीते हैं, आप लोग थोड़ा सा ड्रोन शॉट देख लें। रश देख के लग रहा है कि कोई बारात आई है, लेकिन ये सारे वहीं पर जा रहे हैं जहां हम जा रहे हैं नारान कागान। ये हम लोग पुल पार करके नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा दरिया के पास यहाँ पर मुँह हाथ धोएंगे, अपने पाँव ज़रा गीले विले करेंगे और फिर आगे दोबारा निकलेंगे। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। Don't want to step.
नहीं आग लग गई है या लगा दी गई। बहुत ठंडा था बर का पानी। तो हम लोग रुके हैं बालाघाट से थोड़ा आगे चाय पीने के लिए, इसके बाद हम दोबारा यहाँ से निकलेंगे आगे। सो यहाँ पर बैठ के हमने अपनी ब्रेड सब ब्रेड और चाय वगैरह पी और फिर आगे दोबारा हम निकले। पानी का ना ऐसा है, पानी और जगह ना सही नहीं है। हज़ारा मोटरवे से उतर के थोड़ी सी बस ख़राब रोड आती है, उससे आगे टोटल बाबू साहेब टॉप तक बहुत अच्छी रोड है। सो आप लोग जा सकते हैं फैमिली के साथ बहुत आसानी से। अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं और बरका गुल ने कर ली है उल्टी, अब ये गाड़ी के ऊपर बैठी है। यार ये दूध नहीं सही लगता। अब कगान आने वाला है और नरान से आगे जाके हम स्टे करेंगे। नरान में थोड़ी देर रुक जाएंगे रुकना हुआ तो, लेकिन नरान से आगे जाके हम स्टे करेंगे। यहाँ हम लोगों ने फैसला तो कर लिया था नरान से आगे जाके स्टे करेंगे, पर थकावट की वजह से हमें नरान के अंदर ही स्टे करना पड़ा। वो जिस जगह पे जाना है वो बर्फ़ नज़र आ रही होगी आप लोगों को, उधर जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा शहर आ गया देखो, सिर्फ होटल ही होटल होटल ही होटल अचानक ही। एक जगह पे डैम बन रहा है, वहाँ पर थोड़ी सी रोड ख़राब है, बाकी आगे बिल्कुल ओके रोड है। अभी हम लोग नरान आके रुके हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए आपको पूरे व्यूज़ नहीं दिखा सके। होटल का मैं पता करने गया है, फिर देखते हैं किस होटल में रहना है। ले लेते हैं बाद में ले आते हैं। रूम तो हमने बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लिया माशाल्लाह से। और इसका रेंट कितना दिया, 8.5 दिया है, 8.5 इसका, 8,500 रुपये इसका रेंट हमने पे किया है वन डे का। और व्यू आपको मैंने दिखा दिया कैसा है यहाँ से। तू भी आना। ये लिफ्ट का म्यूज़िक अगर आपको नहीं भी आ रही फिर भी आपको सुला देगा अंदर ही। चेंज कर लिए हैं, अब भूख बहुत लगी है, बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। आके सो जाने सच, फिर नेक्स्ट डे आपको सारा अपडेट करेंगे हम। आज का दिन तो थकावट बहुत हो गई है, अभी खाना खाएंगे फिर आके चाय शाय पी के रेस्ट करेंगे। इस शोर शराबे की वजह से और इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बना देने की वजह से नरान की ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। सो अगर आप नरान की तरफ रुख कर रहे हैं तो थोड़ा आगे जाके स्टे करें, वहाँ के सीन थोड़े ज़्यादा प्यारे हैं।
या तीसरा उसके ऊपर दो वो ऊपर हमारा होटल। तो यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक बिरयानी की प्लेट और एक फुल कढ़ाई और चिकन टिक्का, वो रात को देखेंगे अगर भूख लगी तो दोबारा खाएंगे। तो यहाँ पर शोर बहुत है। आधी रात तक, दो तीन बजे तक मालशिये यहाँ पर अपनी शीशियाँ खड़काते रहते हैं, तो नींद आपको बिल्कुल नहीं आ सकती। हम लोग तो लगे हैं थोड़ा आराम करने और रात के टाइम लैप्स देखने। तो बरका और मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करने लगे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नाश्ता करने। अभी थोड़ा सा हम सो लेते हैं। फोटो शूट ऑन लगा है इन लोगों का, ठीक है तोड़ दिया है। एक बंदे एक खिड़की खोल के बैठे हुए हैं, एक बंदे वो खिड़की खोल के बैठे हुए हैं और हम रेस्ट कर रहे हैं। पेंडू लोग आए हैं, पेंडू लोग आ गए हैं मरी में, मरी नहीं नथिया गली में, सॉरी नारायण कगान में पेंडू लोग आए हैं। एक बंदा वो तो सीने बनाई जा रहा है, एक बंदा वो कुर्सी बाहर रख के बैठ गया। तो रेगुलर आते हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं। हम पांच लोगों में से तीन लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रेनबो पहली बार देखी थी ज़िंदगी में। लो जी आपके लिए एक बार फिर से नारायण कगान के ड्रोन शॉट व्यूज़, देखें ज़रा। सुबह के 11 बज चुके हैं, सुबह के कितने बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं और हम अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं और फिर आगे हम बाबूसा टॉप के लिए निकलेंगे। हाँ इधर के चने थोड़े अच्छे हैं, जो पीछे के स्वाद खाए थे ना वो बिल्कुल ही पानी होते हैं। ये हमने नाश्ता मंगवाया, दो एग और एक ये और कुछ रात वाले चावल भेजे थे वो गर्म करवाए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे संबकसर लेक या बाबूसा टॉप। देखो खड़ी नहीं जाना खड़ी है। हम लोग जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ। एक अच्छी न्यूज़ है या पता नहीं आपके लिए बैड न्यूज़ है कि इमरान खान यहाँ पर आ रहा है, इसलिए रास्ते बंद किए हैं थोड़े से। रास्ते में इस तरह की कई सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वो जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं वो बाबूसागर टॉप के शुरू वाले पहाड़ है। ऊपर से पानी आ रहा नीचे जो केटू केटू पहाड़
लो जी आपके लिए एक बार फिर से ड्रोन शॉट्स। इस लेक का नाम है लूलूसर लेक, जो कि बाबू सरदार के रास्ते में आती है। सर लेक रुके हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर बैठेंगे, खाएं पिएंगे, उसके बाद दोबारा आगे बाबूसा टॉप के लिए निकलेंगे। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग था और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ये लेक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगे वहाँ पर। सफ़र करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए बाबूसर टॉप। वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसके पीछे तीन झीलियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, वहाँ पर नहीं जा सके, नेक्स्ट टाइम जब भी गए वहाँ ज़रूर जाएंगे। इतनी दूर अगर आपको लेके आए हैं तो आपको बाबूसर टॉप के भी तो ड्रोन शॉट दिखाएंगे ना। वापसी का सफ़र का आगाज़ किया और वापसी टाइम भी बहुत बहुत बड़े पहाड़ देखने को मिले जो कि जाते हुए पीछे मुड़ के नहीं देख पाए थे। उसी होटल पर आए और अपने कपड़े वगैरह सर्दियों वाले चेंज किए और गर्मियों के पहने और आगे के लिए हम लोग निकल पड़े। हज़ारा मोटरवे पे चढ़ने के लिए एक बहुत ही वीरान से गांव के अंदर से होकर हम लोग मोटरवे पे चढ़े। हम इस टाइम बैठे हुए हैं मनसेरा के वेस्ट एरिया में और यहां से हम लोग सीधा निकलेंगे फैसलाबाद के लिए। रात स्टे का हमने नहीं सोचा क्योंकि मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, कभी थका नहीं हूँ, रास्ते में स्टे कर कर के आ रहे हैं तो हम सीधा फैसलाबाद जाएंगे। सो यहाँ पर व्लॉग को करते हैं एंड। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।